सरकार जब जहां कहीं होते हैं तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो कुछ विश्लेषण करें, कुछ बातें बताएं, लेकिन बड़े भाई आदरणीय शंभुनाथ शुक्ल जी को मैं इस तरफ भी ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि इस समय बड़ा मुश्किल है सही विश्लेषण कर पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पत्रकारों के अंदर अपने मन की बात को सुनने जैसा कुछ देखना चाहते हैं। अगर हमने कोई ऐसी बात कह दी जो आपके मन की नहीं है तो आप तुरंत हमें खारिज कर देंगे। आप जिसको भी वोट दे रहे हैं, जिसको पसंद कर रहे हैं, आप हमसे ये सुनना चाहते हैं कि उसकी सरकार बन रही। अब ये कैसे कहें? कई जगह मुश्किल होता है, कई जगह घुमा फिरा के कहना पड़ता है, कई जगह समझ लेते हैं कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं तो उसके अनुरूप कहना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, सवाल हम सबकी सोच पर भी है। सर, मैं अभी एक विद्यालय के एक कार्यक्रम में गया था, एक फैशन इंस्टीट्यूट में। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और मोबाइल ने तो बहुत कमाल कर दिया, बहुत सारी जानकारियां वो देता है। तो सवाल पूछा कि साहब नेहरू जी नहीं होते, पटेल जी होते, और पटेल जी नहीं होते, नेहरू जी होते, सनातन सवाल है, हमारे समाज में चलता रहता है। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा आपके पास मोबाइल फोन कौन सा है? एक फैशन इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, सबके पास स्मार्टफोन रहता है। उन्होंने अपना फोन निकाला, मैंने कहा इसमें गूगल कीजिए कि सरदार पटेल जी का निधन कब हुआ, आपको उसका जवाब मिल जाए। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो चिपकाया जा रहा है हम उसको काउंटर चेक नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी हमारे साथ एक समस्या है, जिसकी वजह से आप एक चीज समझिएगा, ये जो व्हाट्सएप पर आ रहा है, ये जो फेसबुक पर आ रहा है, किसी भी पार्टी के द्वारा आ रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी योजना है जो ब्रेन वॉश करने के लिए चल रही है। मेरे एक मित्र थे, इसी शहर के बेटे थे, श्री पंकज शुक्ला जी, हमारे संजीव भाई भी जानते थे, हमारे साथ काम किया, बहुत योग्य पत्रकार थे, दिल्ली गए। पंकज जी दुर्भाग्य से हम लोगों के बीच नहीं है, उन्होंने एक कंपनी बनाई, मीडिया कंपनी। तो सर उसके हम उद्घाटन में गए नोएडा, तो उनके पास काफी सारा स्टाफ था। अब हम तो थोड़े लाला भी हैं, तो हम दिमाग ये लगाते हैं कि भैया खर्चा कितना कर रहे हो और इनपुट कितना आ रहा है। तो हमने जब हिसाब जोड़ा कि 40 लोग काम कर रहे हैं, तो हमने कहा यार एक वेबसाइट में 40 लोगों को तनख्वाह देके तुम कैसे चलाओगे? तो उसने हमसे कहा कि भैया हम टेम्पलेट्स बनाते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या होता है, मुझे नहीं समझ आता। फिर उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल बताया कि कोई बाहर की कंपनी है, वो टेम्पलेट्स बनवाती है। टेम्पलेट्स का मतलब जो व्हाट्सएप पे आते हैं ना हमारे पास, कि फला नेता अब से 60 साल पहले क्या कर रहा था, 70 साल पहले क्या कर रहा था, 20 साल पहले क्या कर रहा था। मुझे याद है जब मैं उस समय दैनिक जागरण प्रभारी हुआ करता था, तो एक व्हाट्सएप मैंने देखा, उसमें उस समय की तत्कालीन देश की एक बड़ी महिला नेता एक हवाई जहाज के दरवाजे पे खड़ी थी, एक सीढ़ी लगी थी और कुछ लोग सोने की ईंटें लेके उसमें जा रहे थे। नीचे लिखा था इतने किलो इतने टन सोना प्रतिदिन भारत से बाहर जाता। अब मैं अपने आप को भी थोड़ा समझदार आदमी मानता हूं, पर मैंने उस फोटो को देख के उसको बिलीव कर लिया। मुझे लगा यार ये बड़ा खराब है, और इतना सोना प्रतिदिन जाता है, कैसे हमारा देश लुटरा भाई, इन लोगों को हटना चाहिए। मेरे फोटोग्राफ ने काम किया, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि भाई कोई अगर सोना ले जाएगा तो फोटो क्यों खिंचाएगा, वो भी एयरपोर्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सोचिए कि हमारे जहन को प्रभावित करने के लिए, हमारे दिमाग को कोष्ठक में बंद करने के लिए दुनिया की कई ताकतें काम कर रही हैं। तो खुद से सवाल जरूर पूछिए। अक्सर सिन्हा जी कार्यक्रम कराते हैं और भाई लोग कराते हैं तो पत्रकारों के सामाजिक सरोकारों पे बात होती है, लेकिन थोड़ा सा समाज को भी पत्रकारीय सरोकारों पर बात सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, पत्रकार अगर खत्म हो जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का इंसान और नागरिक खत्म हो जाएगा। तो इसको कृपया जिंदा रखिए, सवाल जरूर पूछिए। और थोड़ी सी कड़वी बात, छोटे थे अम्मा एक काला टीका लगा देती थी, तो पत्रकारों को थोड़ा काला टीका टाइप का मानिए। आपके मन की बात ना कहे तब भी उससे प्यार कीजिए, तब भी उसको अच्छा मानिए। समाज का एक बड़ा हिस्सा पत्रकारों को बड़ा प्रेम भी करता है और बहुत विश्वास भी करता है। अनिल भाई साहब, एक छोटी सी घटना बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। कोरोना का काल था, मुझे याद है, एक महिला आई, वो अपने बच्चे के साथ करीब 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर आई मेरे कार्यालय, और उन्होंने इतने सारे कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे जो विधिवत गिने हुए नहीं थे, वो उन्होंने मुझे दिए। कोरोना नहीं, सॉरी, केदारनाथ का। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये पैसे आप हमें क्यों दे रहे हैं? आप केदारनाथ आश्रय में जो लोग आए हैं उनकी मदद के लिए। मैंने उनसे सवाल पूछा कि
ये तो आप किसी अधिकारी को दीजिए, किसी नेता को दीजिए, हम लोग को दीजिए, कोई नहीं, वो सब गड़बड़ कर दे। ऐसा नहीं है, समाज का एक हिस्सा है।